नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सर्दियों में ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को कर सकते हो जो आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यदि आप प्रॉपर रूप से फॉलो करते हो और जितने भी टिप्स इसमें बताए गए हैं उनको अच्छे तरीके से करते हो तो इससे आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और यदि आप इनको पूरे अच्छे तरीके से करोगे तो कुछ समय के बाद आप अपनी हाइट पर चेंज ज़रूर देख पाओगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हाइट बढ़ाने का एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज हम जो आपको तरीका बताने वाले हैं उसे 15 से लेकर 24 साल के लड़के और 12 से लेकर के 21 साल तक की लड़कियां फॉलो कर सकती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको उस एक्सरसाइज के बारे में बताएं, हम आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, ठंड के मौसम में सबसे पहले जब आप सुबह सुबह सोकर उठो तो ये ज़रूरी है कि आप गर्म पानी का सेवन करें, क्योंकि दोस्तों गर्म पानी का सुबह सुबह सेवन करना हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब आप गर्म पानी का सेवन करें तब आपका पेट पूरी तरीके से खाली होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के उस खास एक्सरसाइज के बारे में जिसे करके आप अपनी हाइट को बहुत जल्दी से बढ़ा पाओगे। तो दोस्तों, वो एक्सरसाइज है हैंगिंग करना। और दोस्तों, इसके लिए आपको हैंगिंग के 4 सेट्स लगाने होंगे। दोस्तों, इसके जो 4 सेट्स हैं उनको आपको रोज़ सुबह करना है और आपको इसके 4 सेट्स के 3 राउंड करने होंगे। यानी कि आपको पहले 4 सेट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर से उन्हीं 4 सेट्स को रिपीट करना होगा और उसके बाद एक बार फिर से उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना होगा। दोस्तों, हैंगिंग करते वक्त ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपसे जितना बन पड़े उतना ही कीजिए। यदि आप काफ़ी ज़्यादा देर तक नहीं लटक सकते तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देर तक लटकने की कोशिश ना कीजिएगा। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले तो आप किसी बार की सहायता से लटक जाइए और दोस्तों इसके बाद अपने गर्दन को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाने की कोशिश कीजिए। और ये ध्यान रखिए कि आप आसमान को या अपनी छत को पूरी तरीके से देख पा रहे हो। और दोस्तों, अपने पंजों को जमीन की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आप जितना स्ट्रेच कर पाएं उतना कीजिए और साथ ही साथ उतना देर तक लटकिए जितना देर तक आप आराम से लटक सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जब आप लटके हुए हों तो ये ध्यान रखिए कि आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, जैसे कि आपको सोचना है कि आपकी हाइट बढ़ रही है और आपका पूरा बॉडी स्ट्रेच हो रहा है। इसी तरीके की जितनी हो सके पॉजिटिव चीज़ें ही सोचिए और आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स या चीज़ें या बातें नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, आपको ना ही किसी और के हाइट से खुद के हाइट को कंपेयर करना है, आपको बस अपने पूरे लगन और शक्ति से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं इसके दूसरे सेट की। तो दोस्तों, इसके दूसरे सेट को करने के लिए भी आपको सबसे पहले तो बार्स पे लटक जाना है और उसके बाद अपने दोनों पैरों को आगे और पीछे करना है, यानी ऐसे करना है जैसे कि आप झूला झूल रहे हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे सेट्स की। दोस्तों, इसके तीसरे सेट को करने के लिए सबसे पहले तो आपको बार पे लटक जाना है और उसके बाद अपने पूरे शरीर को पूरी ताकत से ऊपर खींचने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप इसे थोड़े देर तक होल्ड करके रख सकते हैं और फिर से अपने शरीर को वापस नीचे ला सकते हैं। इसी तरीके से आपको अपने शरीर को ऊपर और नीचे लाते रहना है। दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसे जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार कीजिए, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना कीजिए। यानी कि दोस्तों, आपको अपनी शक्ति के हिसाब से जितना हो सके उतना ही करना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, आपको बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है कि हाँ, मेरी हाइट बढ़ रही है। आपको इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है कि मेरी हाइट तो नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं अगले एक्सरसाइज की। दोस्तों, इसमें आपको ताड़ासन करना है और यही हमारा सेट नंबर 4 है। दोस्तों, इसे करने के लिए आपको सबसे पहले तो ज़मीन पर सीधे खड़े हो जाना है, उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक दूसरे से मिला लेना है और इसके बाद अपने दोनों हाथों और पैरों को जितना हो सके स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। दोस्तों, इसी तरीके से आप इसे 8 से 10 बार कर सकते हैं, उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। दोस्तों, इन चारों सेट्स के एक राउंड पूरे हो जाने के बाद आप इसे 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों, यदि आपके पास और समय हो और साथ ही यदि आप जल्दी से रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप इन सारे एक्सरसाइजों को करने के बाद रनिंग या साइकिलिंग भी कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप इन सारे चीज़ों के साथ साथ साइकिलिंग या रनिंग करोगे तो वो आपकी हाइट को और तेज़ी से बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जितने भी एक्सरसाइज के बारे में बात की वो लड़के और लड़कियाँ दोनों ही कर सकते हैं और ये दोनों के ही हाइट बढ़ाने में उनकी मदद करेगा। दोस्तों, इन सारे एक्सरसाइज को करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम सही डाइट लें। तो चलिए दोस्तों, ये भी देख लेते हैं कि हमें अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है जिसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना है वो है मिल्क। और दोस्तों, हमें मिल्क में गुड़ को अच्छे से मिलाकर उसे रोज़ शाम को पीना है। इसके साथ ही दोस्तों, आप आंवले का मुरब्बा और अश्वगंधा भी ले सकते हैं। साथ ही बादाम और काला चना भी हाइट बढ़ाने में काफ़ी मददगार होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप बीन्स, शलगम, चुकंदर, पालक, अंडा और मछली जैसी चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हाइट बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती है। तो दोस्तों, इन सारे फूड आइटम्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा ताकि ये आपकी हाइट को जल्दी से बढ़ाने में आपकी मदद करें। और दोस्तों, अंत में हम आपको बता दें कि इन एक्सरसाइजों को करने में जल्दबाजी ना करें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक महीना या कुछ दिन इन एक्सरसाइजों को करने के बाद ये देखने लगते हैं कि उनकी हाइट बढ़ी या नहीं, और वो जब ये पाते हैं कि उनकी हाइट नहीं बढ़ी है तब वो इन एक्सरसाइजों को करना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाइट एक हफ्ते या एक महीने में ही बढ़ जाए। दोस्तों, ये हर इंसान पे अलग अलग मैटर करता है कि उसकी हाइट कितने समय में बढ़ेगी। कुछ की हाइट 3 महीने में बढ़ जाती है तो कुछ की हाइट बढ़ने में 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। तो दोस्तों, आपकी हाइट पक्के तौर पर कितने दिनों के अंदर बढ़ जाएगी ये एग्जैक्टली कोई और नहीं बता सकता। तो दोस्तों, सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप इन सारे एक्सरसाइजों को और डाइट्स को करते रहिए और जितना हो सके अपने हाइट को लेकर पॉजिटिव रहिए। तो दोस्तों, इन सारे एक्सरसाइजों को करके सर्दियों के मौसम का लाभ ज़रूर उठाइए ताकि ये आपकी हाइट को बढ़ाने में आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों, जाइए और इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और इसका क्या रिजल्ट आता है ये हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि इससे बाकी लोगों की भी मदद हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जाइए और सारी टिप्स को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, सर्दियों के मौसम में आप इन सारे एक्सरसाइजों को करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी ये करके देख सके। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी और नई वीडियो पे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।